all right students so here is the last sermon of our holy prophet sallallahu oh wa sallam. o people lend me an attentive ear for i know not whether after this year i shall be amongst you again it means K a a logo lend me an attentive ear this phrase means metaphorically it means that um, मुझे इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने कान दे दो इसका मतलब ये है कि ए लोगो मेरी तब बात गौर से सुनो फॉर आई नो नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर आई शेल बी एवर अमंगस्ट यू अगैन कि मुझे नहीं पता कि अगर अगरचे इस साल के बाद कि मैं तुम लोगों के बीच में दोबारा मौजूद हूँगा देयर फोर इसलिए लिसन टू वट आई एम सींग टू यू वेरी केयरफुली इसी लिए मेरी बात ग़ौर से सुनो जो मैं कह रहा हूँ एंड टेक दीज वर्ड्स टू दोज हु कोड नॉट बी प्रजेंट हयर टुडे और मेरे ये अल्फाज मेरी ये बातें उन तमाम लोगों तक पहुँचा दो जो आज यहाँ मौजूद नहीं है बीवेयर ऑफ सैटन फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन शैतान से खबरदार रहो अपने मज़हब की हिफाजत के लिए योर लाइव एंड प्रॉपर्टीज़ आर सैक्रेट ट्रस्ट अपॉंगज योर सेल्फ अनटिल यू अपीयर बिफोर योर लॉड तुम लोगों की ज़िंदियाँ और मालो दौलत प्रॉपर्टी विरासत को कहते हैं जो तुम लोगों की विरासत है वो ये जो है एक मुक़दस चीज़ है अमंग्स द योर सेल्फ तुम लोगों के बीच में अंतिल उस वक्त तक यू अपियर बिफोर योर लॉर्ड जब तक कि तुम लोग पेश नहीं हो जाते अपने रब के आगे एंड रिमेंबर यू शेल हैव टू अपियर बिफोर योर लॉर्ड हु डिमांड फ्रॉम यू एन अकाउंट ऑफ ऑल योर एक्शंस और ये बात याद रखिए कि आपको अपने रब के आगे पेश होना होगा जो कि आपसे पूछेगा किस चीज़ के पूछेगा फ्रॉम यू एन अकाउंट ऑफ ऑल यूर एक्शन्स और आपसे किस चीज़ का हिसाब वो लेगा वो आपसे आपके तमाम जो आपके एक्शंस हैं आपने यहाँ पर जो एक्शंस किए हैं जो काम किए हैं उन तमाम का वो हिसाब लेगा यू हैव राइट्स ओवर योर वाइफ्स तुम का अपनी तुम्हारा अपनी बीवियों पर हक़ है rights कहते हैं हक को या हक, हकूक़ को एंड यूर वाइफ्स हैव राइट्स ओवर यू और तुम्हारी बीवियों का, का तुम पर हक है मीन्स के कुछ हकूक तुम्हारे हैं अपनी बीवियों के जिम्मे और कुछ हकूक़ तुम्हारे बीवियों के हैं तुम्हारे ज़िम्मे ट्रीट दैम विथ काइंडनेस एंड अफेक्शन और इनके साथ खुशसलूबी नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करो बी फेथफुल टू ईच अदर और एक दूसरे के साथ वफादार रहो एंड डू नॉट कमिट सिंस और गुनाह से बचे रहो गुनाह ना करो अल्लाह हैज़ फॉरबिडन यू टू टेक अश्री इंटरेस्ट अल्लाह ताला ने फॉरबिडन का मतलब है सख्ती से मना किया है क्या चीज़ सूद से सूद लेने से देर फॉर ऑल इंटरस्ट ऑबलीगे शेल बी वीव्ड वीव्ड मीन्स माफ़ कर देना हैं का मतलब है इन फ्यूचर मुस्तबिल में ऑब्लिगेशंस कहते हैं रूल्स को जो ड्यूटीज़ लगी होती हैं जो किसी पर एक चीज़ आयद कर दी जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए चूँकि अल्लाह ताला ने सूद लेने से मना किया है तो इसलिए तमाम जो इंटरेस्ट uh, पर जो ऑब्लिगेशंस हैं जो रूल्स लगे थे तो वो तमाम जो हैं अब होर्थ अब इसके बाद माफ़ कर दिए जाए असल में उस टाइम अरब के न, का जो दौर था उस टाइम ये चीज़ बहुत आम थी लोग सूद का लेन देन करते थे वो ज, जब भी कोई चीज़ किसी को दे देते थे तो वापसी पर वो उसका उससे इंटरेस्ट ज़रूर लेते थे और ये चीज़ बहुत ही आम थी इसको बुरा नहीं समझा जाता था लेकिन इस्लाम ने इसको बिल्कुल ही मना फरमाया है नो no मर्डर्स

अरब के कबीलों में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा एक कॉमन थी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ सालों साल लड़ते झगड़ते थे और कत्लो गारत आम थी अगर एक कत्ल करता था कबीले का एक फिर दूसरे कबीले के किसी फ़र्द को कत्ल करता था तो वो दूसरा कबीले पर भी ये चीज़ आयद हो जाती थी कि वो इसको कत्ल करे और इसी तरह सदियों तक जो है आपस में लड़ाई झगड़े का सिलसिला जारी रहता था तो जाहिलियत के ज़माने में इग्नोरेंस मींस डेज ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं ज़माने जाहिलियत और ये कौन सा दौर है जब इस्लाम नहीं आया था जब इस्लाम जो था वो लोग इस मज़हब को जानते भी नहीं थे तो ये वो दौर है इस्लाम से पहले की बातें हैं कि उससे पहले अगर कबीलों के आपस में दुश्मनी है तो वो एक दूसरे से बदला नहीं लेंगे वो अब इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे डो नाट फॉरगेट दैट एवरी मुस्लिम शुड बी ट्रूली अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हर मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का एक सच्चा भाई है

Uh, uh, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है प्रेफरेंस बर्तरी को कहते हैं या सुप्रेरिटी को कहते हैं ऑल्सो अ वाइट हैज़ नो सुप्रेरिटी ओवर ब्लैक नो डज़ अ ब्लैक हैव एनी सुप्रियोरिटी ओवर वाइट और इसी तरह सफेद को काले पर कोई अबूर हासिल नहीं कोई बर्तरी हासिल नहीं और ना ही काले को सफेद पर कोई बर्तरी हासिल है मतलब इसका सिंपल ये है कि इंसान का रंग और उसका कबीला ये बात ज़ाहिर नहीं करता कि वो एक अच्छा और बेहतर इंसान है अगर कोई अच्छे कबीले में पैदा हुआ है लेकिन अगर उसके अमाल ठीक नहीं हैं तो हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे ओनली द गुडनेस एंड पाइटी ऑफ अ मैन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और तकवा पाइटी तकवा को कहते हैं तकवा जो है वो एक इंसान को बर्तर बनाता है दूसरे पर परहेजगारी और तकवा जो है वो एक इंसान को तब दूसरे इंसान पर से बेहतर बनाता है तो इस चीज़ को अल्लाह ताला ने ये क्लास डिफरेंसेस, अमीर गरीब काला सफेद, खूबसूरत बदसूरत ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक किस्म से रूल आउट कर दी है कि इसकी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है इस्लाम की नज़र में कोई अहमियत नहीं है हमारे मज़हब में इसकी कोई अहमियत नहीं है कबीले सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक दूसरे की पहचान हो सके इसलिए नहीं बनाए गए कि उसकी बिना पर या उस बेस पर हम ये कहें कि जी आप जो है बहुत बर्तरी हैं आप बहुत अच्छी हैं और आप चूँकि फ़लाँ कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका किरदार अच्छा नहीं होगा नहीं अगर एक इंसान खुद कैसा है अगर वो खुद अच्छा है परहेजगार है और वो तकवादार है तो ऑबियसली डेफिनेटली ही इज़ सुपीरियर टू अदर्स ओ पीपल ए लोगो लिसन टू मी इन अर्नेस्ट मुझे गौर से सुनो वर्शिप अल्लाह अल्लाह की इबादत करो वर्शिप अल तो इबादत को कहते हैं से मंथान रमजान के महीने में रोजे रखो एंड गिव योर वेल्थ इन zakat और अपने माल से जकत दो परफॉर्म हज इफ यू कैन अफोर्ड इट अगर आप हज अदा कर सकते हैं तो हज जरूर अदा करें फीट एंड क्लोथ यूर स्लीविथ सच गूड एज यू ईट योर सेल्फ एंड विद सच क्लोथ्स एज यू वेयर योर सेल्फ अपने ओलामों को वही खाना खिलाओ और वही कपड़े दो जो खाना तुम खुद खाते हो और जो कपड़े तुम खुद पहनते हो या अपने लिए जो कपड़े पसंद करते हो वही कपड़े अपने ओलामों के लिए पसंद करो और खाना भी वही अपने गुलामों को दो जो खाना तुम खुद खाते हो इफ देखा अ फॉल्ट अगर वो कोई ऐसी गलती करते हैं विच यू फाइंड हार्ड टू फॉरगिव जिसको तुम माफ़ नहीं कर पाते देन लेट देम गो अवे तो उन्हें जाने दो एंड डू नॉट ट्रीट देम हार्शली और उनके साथ सख्ती से पेश मत आओ उनके साथ सख्ती का बर्ताव मत करो बी काइंड एंड जस्ट टू एवरी वन हर एक के साथ शफकत से और इंसाफ से पेश आओ ओ पीपल ए लोगो नो प्रॉफिट और विल कम आफ्टर मी ए वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ असेंजर राइट सो ए मेरे बाद कोई रसूल पैगम्बर नहीं आएगा एंड नो न्यू फेथ विल बी बॉर्न और इसके अलावा दूसरा कोई अकीदा वजूद में नहीं आएगा रीजन वेल देर फॉर ओ पीपल अंडरस्टैंड वर्ड्स विच आई कैन वे टू यू रीजन वेल रीज़न मीन्स हम कहते हैं क्यों रीजनिंग करो बहस करना रीजन वेल मीन्स यहाँ पर यह है कि तुम वजूहत पर सोचो देयर फोर इसलिए ए लोगो एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स विच आई कन वे टू यू और जो अल्फाज में तुम लोगों को या जो पैगाम मैं तुम लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ उसको समझो आई लिव बिहाइंड मी टू थिंग्स मैं अपने पीछे दो चीजों को छोड़ रहा हूँ द कुरान एंड माई सुन्ना कुरान द होली बुक एंड माई सुन्ना और मेरी सुनत एंड इफ़ यू फॉलो दीज यू विल नेवर गो एसट्रे और अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे तुम इन चीज़ों को पर अमल करोगे इसको इसको अपनी जिंदगी का ला लह अमल बनाओगे तो तुम कभी भी रास्ते से नहीं भटकोगे एस्ट्रे का मतलब है भटकना है आई फुलफिल माई मिशन एड्रेसिंग द असेंबल्ड पीपल असेम्बल्ड कहते हैं जमा हुए लोगों को असम्बल्ड पीपल यानी वहाँ पर जो एक जम गफ़ी था जो इतना बड़ा हजूम था लोगों का वो जमा हुए लोगों से को मुखातिब करते हुए हजूर सलम ने उनसे पूछा कि क्या मैंने अपना काम पूरा किया अपना मिशन अपना जो एक मुझे एक मिशन अता किया गया था अल्लाह ताला ने त्या है फुलफिल्ड फुलफिल मीन्स कंप्लीट फिनिश्ड क्या मैंने उसको पूरा कर दिया इन ट्रूथ यू हैव रिप्लाइड द हंड्रेड्स ऑफ द पिलग्रिम्स पिलग्रिम्स हाजी तो उस टाइम जो उधर हाजी आए थे उन सब ने एक आवाज में कहा कि बेशक आपने किया बी माई विटनेस ओ अल्लाह दैट आई हैव कन्वेड यूर मैसेज टू यूर पीपल अब यहाँ पर हजूर सल सम अल्लाह से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए अल्लाह, बी माई विटनेस आप मेरे गवाह रहना कि मैंने आपका पैगाम कन्वेड का मतलब है पहुँचा दिया कि मैंने आपका पैगाम आपके लोगों तक पहुँचा दिया पहले हजूर सल्लम ने लोगों से गवाही ली कि क्या वाकई मैंने अपना वो मिशन कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने कहा कि बेशक बिल्कुल आपने कम पूरा कर लिया और फिर उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में अल्लाह को अपना गवाह बनाया कि आप गवाह रहना कि मैंने आपका जो दिया हुआ पैगाम था वो आपके लोगों तक पहुंचा दिया सो दैट इज़ इट फॉर रीडिंग and now we will move towards the exercise okay if you look at the glossary so there are different meanings words meanings in the uh, glossary all right uh, you can read it by your own self as uh, i have also written meanings for you uh, and i am going to show it to you uh, in copy which i have made